Hey, good morning and welcome to my YouTube channel. This is Sudhir Thakur and you are watching Sudhir Thakur Vlogs. Presently, main Maharashtra mein hoon aur I'm crossing a jungle. Main ek unboxing review karunga. I have a product with the name of TPMS aur ye Sky Shop ka hai. I'll share the link in Amazon. और काफी दिन से basically it is a tire pressure monitoring system and from since long मुझे मेरी गाड़ी में एक monitoring system चाहिए था जिससे मैं online अपने checks रख सकूँ tire में कितना pressure है because on an average अगर मैं long drives करता हूँ तो I drive almost for 800 to 900 kilometers single stretch. तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आपको आपके गाड़ी के टायर का टेम्परेचर एंड गाड़ी का प्रेशर दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं. आपका टायर का जो टायर प्रेशर है वो भी पता होना चाहिए एंड जो आपके गाड़ी में टायर का जो टेम्परेचर है बिकॉज इफ द टेम्परेचर राइज हाई तो टायर भी बर्स्ट होने के केसेस हो सकते हैं. तो इसमें दोनों चीज़ें क्रॉस चेक होती हैं तो मैं इसमें आपको भी दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं अनबॉक्सिंग वीडियो में. मैंने ये अमेज़ॉन से लिया है और दिस इज टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम एंड द मैन्युफैक्चरर इज स्काई शॉप और बहुत ही इम्पोर्टेंट मस्ट टू हैव इक्विपमेंट है और ये उन गाड़ियों के लिए बहुत इजी है जिसमें इनबिल्ट टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं होते हैं. तो लेट अस जस्ट ओपन द बॉक्स, देखते हैं इसमें क्या है. This is some must-read instructions. इसका मैनुअल होगा इसमें एक something like that. फिर आता है इसमें एक USB चार्जिंग केबल, कुछ इसमें स्पैनर्स हैं और कुछ सेफ्टी लॉक नट्स हैं. ये है हमारा एक and this is rear left. Rear right, front right and front left. और साथ में मिलता है हमको ये डिवाइस जो डिस्प्ले यूनिट है इसका. तो इसको निकालते हैं. ये है इसकी स्क्रीन और ये इसका सोलर पैनल. तो आपको बहुत कम ज़रूरत पड़ेगी इस डेटा केबल की चार्ज करने के लिए बिकॉज आप इसको गाड़ी के डैशबोर्ड में कहीं भी लगा सकते हैं जहाँ पे सन का एक्सपोजर डायरेक्टली हो. मुझे भी फिगर आउट करना है कि मैं इसको कहाँ लगाऊंगा सो दैट मुझे इसका टायर प्रेशर मॉनिटर इजीली विजिबल हो. सो द प्ले ये देखते हैं कैसा है ये. ओके, ये सीधा हमारे जो टायर का एयर नोजल है उसमें फिट हो जाएगा. सो अब हम इसको इंस्टॉल करते हैं. दिस इज फ्रंट राइट. तो हम इसमें फ्रंट राइट वाला सेंसर लगाएंगे. सेंसर लगाने के पहले हमको ये जो हमारे पास सेफ्टी नट्स हैं ये यूज़ करना है. इसको पहले हमको इसमें टाइट करना है. We call it lock nuts. ये हो गया. अब इसमें हम लगाएंगे ये फ्रंट राइट का सेंसर. जितना टाइट हो सके उतना टाइट कर लीजिए इसको. तब ये देखिए अरेंजमेंट्स ये हैं कुछ इसके ऐसे. ये जो सेफ्टी लॉक नट है इसको हमें रिवर्स करना है अब क्योंकि ये सेंसर बस यहाँ तक फुल टाइट हो गया. इतना गैप है. इसको सेफ्टी
लॉक नट को रिवर्स टाइट करना है हमको इसके अंदर। जितना पहले हाथ से जाए आप हाथ से कर लीजिए, देन आप ये स्पैनर यूज़ करिए। इसलिए ये स्पैनर आपको हमेशा संभाल के रखना पड़ेगा अपने पास, ऐसे करके जितना टाइट हो जाए उतना टाइट आप कर लीजिए इसको। जितना मैक्सिमम टाइट हो पाए ये आपको उतना टाइट करना है, इजी एंड स्मूथ। अभी खुलेगा नहीं, नो वन कैन ओपन दिस। तो ये इसका तरीका है, बाकी सारे टायर्स में भी ऐसे ही लगाते हैं। चलिए all the four TPMS sensors have been installed right now in the car. और ये उसका डिवाइस है, जैसे सोलर चार्जर पैनल और ये स्क्रीन है। इस स्क्रीन पे हमको ये जो रेड वाला राइट वाला बटन है इसको प्रेस करके रखना है फॉर 3 seconds, इसमें डिस्प्ले आ जाएगा। यू कैन चेक द डिस्प्ले, बट अभी ये रीडिंग्स इसमें आई नहीं है, तो थोड़ा सा गाड़ी स्टार्ट करते हैं, देन वील चेक इट। सो अभी मैंने स्क्रीन ऑन की है, तो जस्ट एक टायर का इसमें सेंसर का जो रीडिंग है, एज यू कैन सी जैसे ही मैंने गाड़ी थोड़ी सी ड्राइव की और इसमें रेयर के दोनों रीडिंग्स आ गए हैं, और अभी ये थर्ड रीडिंग भी आ गई है इसमें। तो यू नीड टू ड्राइव योर कार, मतलब अगर इसमें कोई रीडिंग्स नहीं आती हैं या सिर्फ एक या दो रीडिंग्स आ रही हैं, थोड़ा सा आपको गाड़ी चलानी पड़ेगी, सेंसर शायद कैलिब्रेट होता है ऐसे। तो पहले मेरे जो भी रीडिंग्स आए थे वो रेयर साइड की रीडिंग्स पहले आ गई थी इसमें, सो स्टिल रीडिंग बैलेंस है अभी। आई एम अगेन ड्राइविंग और मुझे ऑलमोस्ट 200 मीटर्स ड्राइव कर चुका हूँ मैं अभी, लेकिन अभी भी एक सी ये सारे रीडिंग्स आ गए हैं, और प्रेजेंटली ये स्टेटस है मेरे टायर के उसका। तो मैं गाड़ी रोकता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ऑल द रीडिंग्स आर डिस्प्लेइंग राइट नाउ। सो अभी हमें डिसाइड करना है कि हम इसको फिक्स कहाँ पे करें। आई थिंक ये जगह ठीक है, इसको पेस्ट करते हैं एंड वी हैव दिस। सो ये मैंने इसका बेस रेडी कर दिया है एंड मैं बस इसको स्टिक करूंगा यहाँ से। अब बहुत इजी है, इसको पील ऑफ करिए और एग्जैक्टली सेंटर को मैच करके अपनी कन्वीनियंट प्लेस पे इसको पंच इन कर दीजिए। नाउ आई विल टेल यू इट इज रेडी टू यूज। और इसमें जो ये वाइट नंबर्स हैं, दिस इज 27, ये आपका टेम्परेचर शो कर रहा है और रियल टायर प्रेशर जो ये इसमें आपका दिस वन येलो कलर का टायर प्रेशर शो कर रहा है। सो आई होप यू लाइक्ड दिस वीडियो एंड फाइंड इट इंफॉर्मेटिव फॉर योर कार। और मेरा चैनल देखते रहिए, गाड़ी और गाड़ियों से रिलेटेड गैजेट्स को मैं अनबॉक्स करूँगा बहुत जल्दी। और I am not into fancy gadgets for the cars. I love to use real technical products which makes life easy, not the fancy ones. एक TPMS unit जो मैंने install किया था अपने instrument cluster के just ऊपर,
उसका एक शॉट लिया है मैंने ताकि एक आईज में कोई स्ट्रेन तो नहीं आ रहा है वो दिखाने के लिए. सो अकॉर्डिंग टू मी ये जो अपना ओडोमीटर है इससे कम ब्राइट है वो, तो दैट सीम्स परफेक्टली फाइन और बिल्कुल भी अलग सा नहीं लग रहा है कुछ. इट इज लुकिंग एज अ पार्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ओनली. सो राइट नाउ इट इज वर्किंग फाइन फॉर मी. साइनिंग ऑफ.